हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा सागर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज मैं शॉर्ट हैंड, जिसे हम स्टेनोग्राफर भी कहते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये स्पेशली उन मित्रों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पर उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। फ्रेंड्स, ये आपने भी देखा होगा, चाहे हम सेंट्रल लेवल की बात करें या स्टेट लेवल की, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड इसकी जगह बहुत सारी आती हैं। और अगर हम कंपेयर करें बाकी पोस्ट से तो इसकी कट ऑफ भी काफ़ी लो जाती है, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। अब अगर बात करें शॉर्ट हैंड, अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाएंगे, आपको 40 से 50 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने एक कोशिश की है अपनी तरफ से, मैं आपको शॉर्ट हैंड के बेसिक सिखा सकूँ, जिसके बाद बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करके स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी है इसकी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शॉर्ट हैंड सीख लीजिए। आप ये मत सोचिए इसमें एक साल लगेगा या कितना टाइम लगेगा, आपके मेहनत के ऊपर है। अगर आप मेहनत अच्छी कर लेंगे आपको टाइम कम लगेगा। पर यह बात भी, अगर आपने एक बार ये शॉर्ट हैंड कर लिया तो आप को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना आप अभी तक पढ़ रहे थे, और आपकी जॉब लग जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा इसे सीखने के लिए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें हमें कौन सी बुक चाहिए, तो सबसे पहले हम बुक पढ़ेंगे ऋषि प्रणाली की। आप इसकी पिक देख सकते हैं, आप ये बुक ले आइएगा, इसी के थ्रू हम आगे अपना शॉर्ट हैंड कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करें इसके लिए बुक कौन सी चाहिए। नोटबुक, फ्रेंड्स ये नॉर्मल नोटबुक नहीं आती है, इसकी नोटबुक में लाइनिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है। ये देखिए, ये नॉर्मल नहीं है, इसकी लाइनें थोड़ा डिफरेंट रहता है दो लाइनों के बीच में, तो हमें यही बुक चाहिए, नोटबुक। और यकीन मानिए ये आपको बहुत सारी लानी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि एक नई लैंग्वेज मानी है आप। जैसे आप इंग्लिश सीखी है, आपने हिंदी सीखी है, ये भी शॉर्ट हैंड, इसमें हमें पूरी वर्णमाला सीखनी पड़ेगी, शब्दों को लिखना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्पीड लानी पड़ेगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। ये आपको नोटबुक लानी पड़ेगी। उसके बाद अप्सरा स्टेनो HB पेंसिल, फ्रेंड्स आप यही पेंसिल लाइएगा, अप्सरा, इसमें स्टेनो लिखा हुआ है, स्टेनो HB पेंसिल। आप चाहें तो पैकेट ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पेंसिल यूज़ होती हैं इसका। आपको ये थर्माकोल कटर होता है, ये नटराज का है, आपको यही लाना है। नॉर्मल कटर से क्या करता है, हमारी पेंसिल को सही से छील देता है, लेकिन उसकी जो नुक होती है उसे कमज़ोर बना देता है, इसलिए हमें ये कटर यूज़ करना पड़ेगा। एक पैड आपको चाहिए, क्योंकि आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, अपने टेबल वगैरह पे सही नहीं रहता है, ऊपर नीचे रहती है, आपको इसमें क्या है एक एक अक्षर बड़ा अच्छे से बनाना पड़ता है, इसलिए आपको एक पैड ले लेना चाहिए। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप पहले इन्हें परचेस कीजिए और आप ट्राई कीजिए, ऐसा कोई महंगा आइटम भी नहीं है, आप कोशिश कीजिए, अगर आपका मन लगता है तो आप ये कीजिए। यकीन मानिए एक बार अगर आपने शॉर्ट हैंड कर ली तो आपकी जॉब 100% लगेगी, और वो जॉब भी ऐसी लगेगी कि आप उस आपको 100% सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्योंकि उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। यही आप इतनी मेहनत करके पुलिस या असिस्टेंट ग्रेड 3 या कोई और पोस्ट ले लेंगे, 1900-2100 ग्रेड पे में आगे के टाइम में कुछ नहीं होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सैलरी भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा शॉर्ट हैंड में काफ़ी अच्छी सैलरी है, ग्रेड पे काफ़ी अच्छा है, तो आप इसी की प्रिपरेशन कीजिए। धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, हाँ काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको डेली एक या दो वीडियो ज़रूर मिलेंगे, साथ ही शॉर्ट हैंड का एक वीडियो डेली मिलेगा। कल से हम शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे, और मैं अपने बाकी फ्रेंड्सों को बता दूँ, अगर आप जेल प्रहरी संविदा शिक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।